अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर खान, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है अपने नए व्लॉग के साथ। अच्छा, आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं और हर जगह जो है वो एयर कंडीशन का इस्तेमाल हो रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ एयर कंडीशन के बारे में बात की जाए। तो आज हम आपको बताएंगे कि एयर कंडीशन के डेफिनेटली फ़ायदे हैं, बड़ी मज़ेदार नहीं रहती है, लेकिन ये कि कुछ नुकसान भी हैं, तो नुकसान पर जल्दी जल्दी से मैं आपको बता दूँ। अगर एयर कंडीशन जो है वो लगा हुआ है कमरे में और वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, तो एक सिंड्रोम होता है, बीमारी होती है जिसे हम सिक बिल्डिंग सिंड्रोम कहते हैं, उस वो होने के चांसेस हो जाते हैं। जी हाँ, एसी से एक सिंड्रोम भी हो सकता है, बीमारी भी हो सकती है। इसमें जो है वो सर में दर्द होगा, ड्राई कफ होगी आपको, चक्कर आएंगे, उल्टी सी महसूस होगी, थक जाएंगे आप, फोकस नहीं कर पाएंगे, इसे सिक ब्रीडिंग सिंड्रोम कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा और भी नुकसान आते हैं एयर कंडीशनिंग के, जैसे कि ये डिहाइड्रेट कर देगा, यानी कि आप में जो है पानी की कमी महसूस होगी। होता यह है कि एयर कंडीशन जो है वो मॉइस्चर जो होता है कमरे का उसको सक कर लेते हैं, और मॉइस्चर जो है यानी कि नमी उसको कायम नहीं रहने देते कमरे में, तो जिसकी वजह से जो है वो आपको जो है ड्राइनेस महसूस होती है और डिहाइड्रेशन शुरू हो जाती है। अच्छा, इसका फर्क बॉडी में तो पड़ते ही पड़ता है, फिर आइस भी पड़ते हैं आपकी आँखें भी जो है वो बिल्कुल जो है वो ड्राई होना और खुश्क होना शुरू हो जाती है इसी वजह से। क्योंकि ड्राइनेस होती है तो आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, क्या कहते हैं यानी कि जिससे आप सांस लेते हैं, उसको भी ये इरीटेट करना शुरू कर देता है ड्राइनेस, और उसकी वजह से जो क्या कहते हैं आपको सांस लेने में तकलीफ शुरू हो जाती है। अच्छा, अगर ये डक्ट सिस्टम है और पूरा घर जो है सेंट्रली एयर कंडीशन, तो डक्ट सिस्टम में अक्सर जो है गंदगी और डट्स वगैरह होती हैं, उसकी वजह से जो है अगर वो रहें तो डस्ट जो है वो काफ़ी इरीटेट करती हैं, जिससे आपको हेडेक्स और माइग्रेन रहने का अभी चांसेस है, और उससे एलर्जी भी आपकी बढ़ जाती है। तो ख्याल रखिए, उनको सफाई कराते रहें। अच्छा, एक और भी है, क्या कहते हैं कि मुस्तकिल एसी के अंदर यानी कि एयर कंडीशन में रहने से आप अगर बाहर निकलें तो आपको बाहर नहीं रह सकते, यानी कि आप कंफर्टेबिलिटी अडाप्टेबिलिटी में चले जाएंगे, तो वो उससे क्या होगा कि आपकी जो टॉलरेंस है हीट की वो कम होती जाएगी, यानी बर्दाश्त कम हो जाएगी। अच्छा, इस ये तो सब करते ही करती हैं, लेकिन इसके अलावा जो है वो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये जो है वो फ्लोरोकार्बन्स गैस जो है वो खारिज करती है, जो ओजोन लेयर को डैमेज करती है बाहर आपके एनवायरनमेंट में, और उसकी वजह से जो है वो पूरा जो अर्थ है या ज़मीन है जो है वो गर्म होना शुरू हो जाती है। तो आपका कमरा तो ठंडा होता है लेकिन ज़मीन बाहर जो है गर्म होती रहती है आपकी एसी की वजह से। उम्मीद है आपकी वीडियो पसंद आया होगा, तो जल्दी से शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को देखते रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह की कमांड, टेक केयर।